कितना बड़ा और छोटा सा लेजर है, मेरी 3 इंच की नाल है इसमें, और ये दाढ़ी ऊपर है, और ये लाइट्स वगैरह सारे। इसमें आप टर्बो देखोगे तो काफ़ी बड़े साइज की टर्बो है, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है भाई। ये मान के चलो 80 नंबर, कम से कम 80 नंबर के आसपास मेरे हिसाब से होनी चाहिए टर्बो। और जो इसका स्टार्टर मोटर 12 वोल्ट में है, सिंगल बैटरी में है ट्रैक्टर, और ये इसका अल्टरनेटर काफ़ी बड़ा होगा मेरे हिसाब से, मतलब क्योंकि इसमें ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है, मतलब इलेक्ट्रिक जो वर्किंग ज़्यादा है ट्रैक्टर में, तो इसलिए इसमें बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ था ट्रैक्टर, बाकी इसमें सारा कुछ आप देखो भाई, मतलब कुछ यूनिक सा अलग सा डिज़ाइन है। और जो इसका बोनट आप देखोगे तो इसमें ड्यूल हाई प्रेशर जो जैक है, जो कि बोनट को इतना ऊपर उठाते हैं, देखो आप कितना ज़्यादा हाइट गेन कर लिया, मतलब 90 डिग्री उठ गया होगा। बोनट ने नीचे निकालने की भी बेल्ट दे रखी है, नीचा खींचने का दर बोनट ने। ये इधर तो फुट स्टेप दिए हैं ताकि जो है ऊपर चढ़ सका नहीं हमें ट्रैक्टर में बैठने दिए अंदर। ये भाई ऊपर आ गया बा, सीट की बता दूं मैं, काफ़ी कंफर्ट सीट है, मेरा वजन में भी ऊपर नीचा हो जाए। ये इधर मीटर हो गया भाई इसका, ये लिफ्ट के कंट्रोल हो गए, ये बेलर खतर स्क्रीन होगी, स्क्रीन दिख जाए सब कुछ। ये पीटीओ के लिए हो गया, पीटीओ के चक्कर हो गए, 540, 1540, 1100। ये कैल्छा भाई, कैल्छा वीडियो में ऑपरेटर ने बताया, वो भी देखे हुआ है, ये चक्कर कम करने दी है भाई, मान लो 1050 रही है 540 कम करने हैं तो ये तो हो जाएंगे। ये बेलर के कंट्रोल है, ये स्क्रीन होगी, ये गियर वगैरह बताओगी किस गियर में ट्रैक्टर चल रहा है अपना, और ये ABC के फंक्शन हो गए, और एक इसके पीछे में कैल्छा ये दिखाई दे रही होगी। ये इधर से RPM हो गए ट्रैक्टर के, जिन्हें पर रेस भी कह दें हाथ वाली, वह यह है। ये भाई वेरा कौन है, किस चीज़ की कंट्रोल है, बाकी इंटरनेट पे इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है नहीं। ये भाई ऑपरेटर के लिए सीट होगी, 4 सॉकेट वगैरह होगी, ये इधर AC के कंट्रोलर हो गए, स्पीकर फिट दे रखे है पहले तो, ये AC के ब्लोअर हो गए, और ये सब आगे धूप से बचाने के लिए होगी, और भाई ये सनरूफ हो गया। गाड़ी हम देखा होगा आपने, पर ये इतना रुपया लगा देने ट्रैक्टर में भी सुविधा है, कंपनी फिटेड। ये फॉरवर्ड रिवर्स के लिए हो गया, फॉरवर्ड रिवर्स का है ना, ये हो गया, और इधर एक वो ये 4x4 के लिए हो गया भाई, खटका तो यूज हो रहा है, ये डिफरेंशियल लॉक है। ये वाइपर वगैरह के हो गए भाई, ये लाइटिंग का हो गया, ये पार्किंग ब्रेक हो गया, ये कंट्रोल है इसके अंदर के, पर ये ऑटोमेटिक फोकस ना मैंने कनेक्ट कर दिया था स्क्रीन पे, ये चुप हो गया। इधर कुछ दिखा देता हूं, ये भाई पीछे से ये ट्यूब देख लो ट्रैक्टर की भाई, कते नहीं हो
जान गाल रखी है भाई ट्रैक्टर कंपनी ने कुल मिला के। ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, ये चार्जर पॉइंट हो गया भाई, जो पीछे ने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जोड़ा है, ये सैमसंग के लिए हो गया। ये सैमसंग के लिए कितना भार है किलड़ा दे रखा है, ये जैक लेफ्ट के लिए जैक हो गया लेफ्ट भाई उतार कर दे रखी है, क्योंकि बेलर में कोई काम नहीं है, स्पेशल बेलर में चल रहा है ट्रैक्टर। तो ये भाई जो भी इंटरनेट पे जो भी डिटेल मिली उनके बेस पे वीडियो बना दी, अगर मारते ज़्यादा किसी भाई ने ज्ञान है या जो सुविधा जो डिटेल इंटरनेट पे नहीं है और आपने पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं।